कई प्रकार के इंद्र हुए, इंद्रों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन इंद्र एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री एक पदवी है, कोई भी बन सकता है उस पर आकर, ऐसे ही इंद्र एक पदवी मानी गई है। और बताते हैं कि प्रभु महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्र को भय लगने लगा कि कहीं ज्यादा यज्ञ न कर ले तो मेरी तो गद्दी छिन जाएगी प्रभु महाराज के कारण। तो बताते इंद्र ने क्या किया कि घोड़ा ही चुरा लिया यज्ञ का। यज्ञ में जो घोड़ा रखा जाता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, तो उसमें घोड़ा जो खड़ा हुआ था उस घोड़े को ही इंद्र ने चुरा लिया। अब घोड़े को जब चुरा लिया तो इंद्र पुत्र जयंत जाके और घोड़े को ले आया इंद्र से छीन करके, इसलिए उसका नाम पड़ेगा विजतासु। और बताते दोबारा से जब यज्ञ प्रारंभ किया तो फिर से इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, दोबारा से फिर ऐसी घटना की इंद्र ने। तो बताते हैं फिर पृथु महाराज को बहुत क्रोध आ गया, बोले अब इंद्र मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, एक गलती तो इसकी माफ कर दी लेकिन अब दूसरी गलती छोड़ेंगे नहीं इसको। तो बताते ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप कष्ट ना करें, इंद्र को हम सबक सिखाते हैं। तो ब्राह्मणों में इतनी शक्ति थी उस समय, बताते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता, देव मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मा ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ करता